ये थालियां किसके लिए सजा रही है मोड़ी? जब तक सुशीला खाना ना खाएगी, इस घर का कोई सदस्य खाना ना खाएगा। सुध्रुव, तारा का पहला रसोई है घर के अंदर, किस तरह से पूरा जा रहा है अब तक? तारा ने बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाया और सभी लोग बहुत खुश हैं। बट मेरी माँ ना खुश हैं अभी, लेकिन कहीं ना कहीं जो ध्रुव है, ध्रुव को क्या कहते हैं, कभी कभी प्यार जो होता है वो शब्दों में नहीं कहा जाता, लेकिन दिल से फील होता है। तो इसलिए दिल से कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग ध्रुव, यू नो, ध्रुव के थ्रू आ रही है। स्क्रीन पर आप लोगों को दिखेगी तारा के लिए। एंड बिकॉज तारा ने हमारे घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उसमें यू नो अपना एफर्ट डाला है। एंड वो मतलब लकी कहो उसको, जो मर्जी कहो, लेकिन उसके फेवर में गई ये चीज़। और वो सबको गलत प्रूव कर चुकी है, सब लोगों को, कि मैं बुरा नहीं चाहती हूँ। तो ऐसे ही तारा के फेवर में गई है चीज़ें, तारा के फेवर में गई है चीज़ें। और मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरी माँ की तबीयत ठीक हो गई है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स आई थी हमारे घर में। एंड बाय गॉड ग्रेस सब कुछ सही हो गया, लेकिन ध्रुव नाश्ते के मानता नहीं है। लेकिन जो भी है, ऊपर वाले की वजह से सब कुछ सही हो गया। एंड आई एम वेरी हैप्पी, दैट्स इट। चैलेंज देखिए, वो एपिसोड देखकर पता चलेगा कि कौन जीतेगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो मैंने आपको कहा कि एक प्रॉब्लम है, एक सिचुएशन है जहाँ पे माँ खाना नहीं खा रही है, और माँ नहीं खाना खा रही है, इसमें माँ का भी लॉस है, हम सब का भी लॉस है। बिकॉज़ अगर उनकी तबीयत ख़राब होगी तो हम सब का मूड भी ख़राब होगा। और इसीलिए तारा प्रिया एक रिवर्स साइकोलॉजी प्ले कर रही है, और लेट्स सी क्या होता है, खिला पाती है कि नहीं खिला पाती है। थैंक यू। खाना लगा रही है, रखो ताई के साथ, ताई जी ताई बोलो, एक्शन, ताई को रखो, ताई को रखो, एक्शन। ये थालियां किसके लिए सजा रही है मोड़ी? जब तक सुशीला ना खाएगी। पीछे कौन खड़ा है आदमी? परंतु भोजन से क्या सब है? और ताऊजी, आपको तो भोजन करके पुरावस्तु भंडार भी जाना है, क्यों आइए। और दादाजी, आपने यदि समय से भोजन नहीं किया तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आपको ज्ञात है ना? आप सबको भी ज्ञात है। और दादाजी, हमने तो आपके लिए बहुत स्वादिष्ट शरबत भी बनाया है। एक क्षण तारा, जब तक चाची ने नहीं अपनाया तो हम भी नहीं अपनाएंगे।